ये फ्राई मिर्च की रेसिपी है, सर्दियों में इसे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और आप इसे 10 से 15 दिन के लिए ठंडा होने के बाद आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप कभी भी खा सक सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे रिदांस मॉम व्लॉग में। आज मैं आपके सामने एक रेसिपी लेकर आई हूँ मिर्च फ्राई की, ठीक है। ये हरी मिर्च है, ये थोड़ी मोटी मोटी हरी मिर्च मैंने ली है। अगर आपके पास सब्ज़ी वगैरह ना हो, एट ए टाइम आपको कुछ बनाना हो, तो 5 मिनट में झटपट बन जाती है। तो चलो आओ इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले ये हमने मिर्च ले लिया है, थोड़ी मोटी मोटी ये मिर्च हैं, इन्हें मैंने काट लिया है। आप चाहे पतली मिर्च भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। तो हमने ये धनिया ले लिया है, साबुत धनिया लिया है, ये हमने धनिया लिया है। धनिया के बाद ये सौंफ है, ठीक है, धनिया से सौंफ थोड़ा सा कम रहेगा। और ये अमचूर पाउडर है, आप इसकी जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास नींबू नहीं है तो मुझे झटपट बनाना है। और स्वाद अनुसार नमक, और इसका जो तड़का लगेगा वो सरसों के तेल में लगेगा। और सबसे पहले हम इन दोनों को भून लेते हैं, फिर इनको पीस लेंगे, फिर चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। धनिया और सौंफ को हम धीमी आँच पर भूनेंगे ताकि वो चिपके ना। तो हमने गैस पर सबसे पहले कढ़ाई रख दिया है और ये मैंने इसे भून लिया था अच्छे से। भूनने के बाद मैंने इस मसाले को पीस लिया है, सौंफ और धनिया को। तो हम सबसे पहले इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे सरसों के तेल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरसों का तेल जैसे हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे, हमने काट लिया था अच्छे से। फिर इसी टाइम हम जो हमने ये सौंफ धनिया का पाउडर ये बना लिया था पाउडर, वो डाल देंगे, इसी टाइम हम ऐड करेंगे। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम स्लो आंच पे फिर से ढक देंगे। हम इसे कवर कर देते हैं, फिर 5 मिनट में देखेंगे इसको। ढक्कन को हटाने के बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि ये चिपके ना। धीमी धीमी आंच पे हमें इसे पकाना है, भूनते रहना है। फिर हम इसमें अमचूर ऐड करेंगे, थोड़ा सा अमचूर डालेंगे, ऑप्शनल है अमचूर, आप चाहे अमचूर ना भी डालें, आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा अमचूर भी डालूंगी मैं इसे। फिर उसके बाद अच्छे से फिर से मिक्स करना है, फिर इसको फिर से हमें थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है। फिर हम ढक्कन खोलेंगे, गैस बंद करने के बाद हमें ये नींबू का रस डाल रही हूँ, मेरे को एक नींबू मिल गया था। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है हमको, अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे ढक देंगे। और हाँ, गैस बंद करने के बाद ही आपको नींबू का रस डालना है। हमारा मिर्च तैयार है, भाप से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये। ये हमारा मिर्च फ्राई बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे और भी मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच। और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, झटपट बनती है, बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे छोले भटूरे कचौड़ी के साथ खा सकते हैं। थैंक यू सो मच।